1947 में जब एक मुल्क के दो टुकड़े होने वाले थे, जब करोड़ों हिंदू मुसलमान अचानक पागल हो गए थे और एक दूसरे के खून से होली खेल रहे थे, दिल्ली में एक कोना ऐसा भी था जहां नफरत की आग नहीं पहुंची थी। दो दिल मिल रहे थे जो ये नहीं जानते थे कि बहकती हुई आग उनके दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। पायलट, डू यू एवर रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल यू आर? नो 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 नो, योर मिरर नेवर टोल्ड यू? माय मिरर? नो, सिट डाउन। But what if I tell you? Tell me. Violet, आप इस जहां में सबसे हसीन लड़की हो। And the meaning? The meaning is that you, my love, are the prettiest girl on this earth. You know, that sounds so sweet in your language. Because my language is the language of poetry. Why don't you just teach me? You know, I can write poetry about our love, about us. So you want to learn from me? Yeah. Of course. All right. Let me teach you for our love. You will? Yes. All right. I'm ready. First, I want you to say, Baal Sunhere. Baal Sunhere? Yes, which means your soft hair. Aankhe Neeli. Aankhe Neeli. Your blue eyes. Aur hot lal hai. Aur hot lal hai. Your red lips, which are mine. Let's see. And? Ye badan sange marmar se tarasha hua hai. Sange marmar. Marmar. Skin of marble. Like Taj Mahal. Yes, better. And? इसमें गुलाब की नरमी है, गुलाब की नरमी है, और शमा की गर्मी भी, और शमा की गर्मी भी। Yes, which means that your body has the softness of a flower and the warmth of fire as well. मैं बहुत खूबसूरत हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और जस तुम्हारे लिए। I only belong to you. आओ, आओ, मुझ में समा जाओ, मुझ में समा जाओ। Which means come be one with me. You one with you. Yes. And? Now say the magic words. Say Param, I love you. I will. You have to say it today. I will. Just say I love you once, please. I will. जी आप कैसे हो पुत्र? कैसे हो? मैं ठीक हूं, लेकिन आप यहां कैसे? और रास्ता ही कौन सा था पुत्र? उलक भर में अफरा तफरी फैली हुई है, कहीं लूटमार चल रहा है, कहीं फसाद हो रहे हैं। ऐसे में जवान कुड़ी को घर पे बचा के कब तक रख सकता है कोई? प्रीतो के साथ तेरा रोका हुआ है, हैं? वो आई भी है मेरे साथ, गुरुद्वारे में ठहरी है, मिलने चल दें थोड़ी देर बाद। क्यों है भाई, तो परेशान क्यों हो गया? पापा जी, मैं
पापा जी मैं यहाँ ब्याह नहीं कर सकता। क्या बोल रहे है तू? क्यों नहीं कर सकता? ऐसी गल हुई? सिर्फ इसलिए कि प्रीतो तेरे जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। तेरा घर अच्छे से चलाएगी और अपने ही पिंड की है, सब संस्कार जानती है। ऐसी कुड़ी नसीबों वालों को मिलती है बेटा। पापा जी मैं ये ब्याह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या खराबी आ गई प्रीतो में एकदम से? हैं? प्रीतो में कोई खराबी नहीं। फिर मैं किसी और से प्यार करता हूं और ब्याह भी उसी से करना चाहता हूं। देख परम, ये तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। मैंने प्रीतो के बाप को जबान दी है। मैंने भी अपनी जबान किसी और को दी है। एक सोच समझ के बात कर पुत्र, बरसों पुराने नाते टूट जाएंगे, सारा पिंड बट जाएगा, कृपाने निकल आएंगी। प्रीतो के घर वाले बहुत इज्जत वाले लोग हैं, हम उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। अगर दबाव में आके मैंने प्रीतो से प्यार कर लिया तो वो भी तो एक तरह का धोखा कहलाएगा। और आपने तो मुझे हमेशा समझाया कि जिंदगी में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। मैंने तुझे और भी बहुत कुछ सिखाया है। ये भी सिखाया है कि वादा कभी नहीं तोड़ते, और रोका एक वादा ही तो है जो तूने प्रीतो से किया। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ पापा जी। अगर मैं ब्याह करूंगा तो सिर्फ वायलेट से। वो गोरी जो तेरे साथ पढ़ती है? Violet, what happened? Violet, I need to speak to you. Violet, let's get married right now and go to Bombay. What? Sit down. Violet, my father's back in town and he wants me to marry someone else, but I don't want to marry that person. I want to marry you. But if you don't leave right now, they'll kill us. Violet, there's a train leaving for Bombay. In the next 1 hour, we will have to leave. So we have to leave. I will explain everything to you. All right? But where are your bags? But do you wait? What are you doing? Can't you hear me? I'm talking to you. Wait. I can't go with you. Why can't you go with me? There are other men in my life. Violet, I know that is something that you will never do to me. All right? I understand that you're worried, but I want you to calm down. I will explain everything to you. Now let me pack your bags. No, I'm serious. I can't marry you, and I don't love you. And there are other men in my life. Trust me. From my culture, from my country, European. Who are you? You're just a... Just what? You're just an Indian! Just what? An Indian. Say it again. You're just an Indian! You hear me now? Now just leave! Go! परम बेटा, तूने हाँ कह के मेरे सीने से बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया। अब पापा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं
मैं प्रीतो से एक बार अकेले मिलना चाहता हूँ। आखिर तुम लोग अब जिंदगी साथ गुजारने वाले हो, किसी को क्या इतराज हो सकता है? और ये पिंड तो है नहीं जहाँ कोई उंगली उठाए, ये तो दिल्ली है। प्रीतो के घर वाले बहुत रोशन ख्याल हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद, मैं भी भेजता हूँ उसे। आने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे एक बात करना चाहता था। बैठिए। आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ आप बैठिए। आपको तो शायद पता होगा कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था। हाँ जी, मैंने सुना था, किसी गोरी से। जी, अगर मैंने आपके साथ सगाई तोड़ के उस गोरी से ब्याह कर लिया होता तो आपको आपका प्यार मिल जाता तो मुझे खुशी होती। खुशी होती? सदमा नहीं होता? सदमा भी होता। हमारे पंजाब में सिखाया है कि पति परमेश्वर के बराबर होता है और जो दे दे उसे एहसान मानकर ले लेना चाहिए। मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि अगर मेरे घर वाले कोई गलत कदम उठाए, गुस्से में आकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो मैं भी उन्हें कह दूंगी कि गांव के चौराहे पे जाके मैं भी अपने आप को सूली पे। इस जमाने में भी आप जैसी लड़कियां होती हैं, हैरत है। चलो, I'm sorry for walking into your house. I wanted you to meet Preeto, my fiance. She's an Indian like me. An Indian with culture, values, respect and loyalty. She knew about the both of us, but that didn't seem to matter to her. Because for her, I was the chosen one no matter what. For the last 10 years. Because she's a woman of values. Unlike you, a woman with no values at all. You can jump into bed with any man to satisfy your hunger. Like a bitch in heat, like a whore. No matter. This Indian man does not deserve someone like you. What I do deserve though is someone who loves me. Someone who is loyal to me and someone who's like a gem. Are these the same letters that I wrote for you? What were you doing with them? Burning them so that your new lover doesn't see them? Don't worry, I will burn these letters myself. And as for you, I hope you burn in hell, Violet. You wanted to learn Hindi from me, didn't you? So I want you to say one last word. Say the word wafadar. Say it! Say the word wafadar one last time! The word wafadar means loyal! Say the word, Bafadar! Say the word! Thank you.
Dear Violet, this is to thank you for everything. Your sacrifice is truly great. कैसे छीन सकता हूं लेकिन बेटे परम का रुका हो चुका है अब ये हम सबकी इज्जत का सवाल है मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं हम पर ये एहसान कर दे एक बूढ़े बाप की जबान की इज्जत रख ले Please leave. बाकी मैं इस चिट्ठी में लिख के छोड़े जा रहा हूं I will leave him and I make sure that he will leave me. I will hurt him. Tonu rab rakhe. May God heal you and give you happiness gratefully. Bhupinder Singh. समझ आओ